वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। तो मैं अंदर गया तो वो छोटा बच्चा है मेरे साथ साथ का, तो दौड़ लगा के गया। अच्छा वो आजकल वो वीडियो चल रहा है वो देखता रहता है, तो जाकर बटन दबा दी। मोबाइल हैक की? हाँ, मोबाइल हैक भी और जो फेसबुक आईडी और ये सब चीज़ें मैंने वो देखा, उस देख के मैंने वो डिलीट भी किया। मैं एक एससी का और एससी के व्यक्ति के लिए मुझे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा वोट देता हुआ नजर आ रहा है। आरोप जो है वो विनय पर है, विनय मेहर इनका नाम है, जिला पंचायत सदस्य हैं भोपाल में। विनय जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है या आरोप कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है कि आप उस वीडियो में हैं, आपका बच्चा है और आप उससे वोट करवा रहे हैं और वीडियो भी बनाया। देखिए, मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ और हज़ारों वोटों से जीता हूँ। चूँकि मैं एक एससी कैटेगरी का व्यक्ति हूँ, इसलिए जो विरोधी लोग हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं मुझे परेशान करने की सोच रहे हैं। क्योंकि मैं पहले कुछ दिन पहले मैं कांग्रेस में था, लगभग 1.5 महीने पहले। इसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी मेरे साथ में कई जिला पंचायत सदस्यों को मैंने बीजेपी ज्वाइन करवाई थी। और क्योंकि मैं जिला पंचायत सदस्य संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो ये लोग वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मेरी जो लोकप्रियता है, जो लोग मुझसे प्रेम रखते हैं मेरे बैरसिया क्षेत्र के और मेरे जिला पंचायत के क्षेत्र के, तो ये लोग बदनाम करने की साजिश है इन लोगों की। तो कारण क्या, बच्चा मेरा एक बेटा है, मैं घर से जा रहा था तो वो अकेला मेरे साथ वहाँ तक गया। तो मैंने कहा बेटा मैं वोट डाल के आ रहा हूँ, तुम खड़े रहो। तो मैं अंदर गया तो वो छोटा बच्चा है मेरा 7 साल का, तो दौड़ लगा के गया। अच्छा वो आजकल वो वीडियो चल रहे हैं तो वो देखता रहता है, तो जाके उसने बटन दबा दी। अब वीडियो किसने बनाया और ये सोशल मीडिया पे अपलोड किसने किया, लोग कह रहे हैं कि मैंने अपलोड किया, तो ये है, ये हैकर्स जो है, हैकर्स क्या बोलते हैं उनको, तो इन लोगों ने मोबाइल हैक की। हाँ, मोबाइल हैक भी और जो फेसबुक आईडी और ये सब चीज़ें मैंने देखा, उसको देख के मैंने सुबह डिलीट भी किया उसको मैंने, बाकी ये सब। अच्छा, चीज़ आपके अकाउंट से पोस्ट हो चुका था वो वीडियो? हाँ, वीडियो मेरे अकाउंट से पोस्ट हो चुका था, क्योंकि मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ भैया, मैं खुद जिला पंचायत सदस्य हूँ। वीडियो जीता, वीडियो विनय जी बनाया किन्होंने, ये मतलब आपका बेटा था उसमें? ये जाँच का विषय है, कौन ये कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वहाँ के कौन कौन लोग हैं, क्या है, तो ये सब जांच होगी इसकी। अच्छा, बाकी जो आप बता रहे हैं कि वोट आपके बेटे ने किया जाकर, हाँ, जाकर के, और नहीं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं वोट डालने अंदर गया, वो भी आ गया। तो बच्चा क्या है, बच्चा है, अब अकेला खड़ा है, उसने दौड़ लगा के आ गया और उसने बटन दबा दिया। मगर जो वीडियो है उसमें तो ये है कि वो आराम से वोट डाल रहा है, फिर बन भी रहा है कि बीजेपी वोट है, वही तो बात है। कोई वीडियो बनाया किसने, ये जांच का विषय ना भाई सब, आपको नहीं पता किसने बना? नहीं, नहीं नहीं नहीं। और अपलोड जो हुआ आपके अकाउंट से, वो मेरे अकाउंट से हुआ है, वही तो वो हैक कर ली मेरे फेसबुक अकाउंट को। और हाँ, किसने किया है, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि मैं खुद जिला पंचायत का एक सदस्य हूँ और मुझे जनता प्यार करती तो है। अभी चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान भी लिया है, आप तक कोई फोन आया कलेक्टर से या कहीं से बात हुई? कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, जिला पंचायत सीओ के यहाँ से, भोपाल जिला पंचायत से एक एसीओ साहब हैं, उनका मेरे पास फ़ोन अभी आया था, उन्होंने रिलेट भी कर दिया उसको मैंने, और मेरी सबसे बात हुई है। क्या कहा उन्होंने आपको? वो तो अब उन्होंने कुछ निर्देश जारी किए होंगे, तो अब जो कुछ होगा देखेंगे, बाकी ये मेरा काम नहीं है, ये मैं से काम नहीं करता। हाँ, ये जो कानूनन रूप से उल्लंघन है कि इस तरह से वीडियो नहीं बना सकते, बच्चे से वोट नहीं करा सकते, उस चीज़ को लेकर आपसे बात की उन्होंने? देखो, मेन चीज़ ये है कि मैं एक एससी का व्यक्ति हूँ और एससी के व्यक्ति के लिए ये कांग्रेस के लोग एक मुझे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे से परिवार से आता हूँ, मैं ग्राम में खिदवा से, मेरा गांव का नाम, मैं छोटा सा गांव है मेरा, और मेरे देखिए मैं मेरे पिताजी सरपंच भी रहे हैं और मेरे पिताजी को राष्ट्रपति पुरस्कार से दिल्ली में सम्मानित भी किया गया था, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ और मैं आज तक, मेरी 42 साल की उम्र है, आज तक एक भी FIR मेरे ऊपर नहीं है, मैं बेदाग छवि का व्यक्ति हूँ, लेकिन ये मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं। चलिए, कांग्रेस छवि धूमिल करना चाहती है, आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ तो वो ये भी बता रहे हैं कि वो वीडियो उन्होंने नहीं बनाया था, ना ही उन्होंने अपलोड किया था, उनका अकाउंट हैक किया गया था और उसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।